दोस्तों ट्रैवल चीफ रोमन रेंस के एक और भाई ज्वाइन करने वाले हैं द ब्लड लाइन को और वह तबाही मचाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में उसी के बारे में करेंगे बात, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों WWE हमने कई शॉकिंग रिटर्न और कई धमाकेदार डेब्यू भी देखे हैं और दोस्तों ट्रैवल चीफ रोमन रेंस की पूरी फैमिली रेसलिंग से बिलोंग करते हैं, जैसे कि द रॉक, रिकी, जे, जिमी एंड सोलो सिकवा। और दोस्तों हाल ही में सोलो सिकवा ने क्लैश एट द कैसल में डेब्यू करके ब्लड लाइन को ज्वाइन किया था और वो वहां से लेकर अब तक रोमन की जान रहे हैं और अपने ट्रैवल चीफ के खातिर वह अपने सगे भाई द उसोस को भी धोखा दिया है और द उसोस के जाने के बाद ब्लड लाइन कमजोर हो गया है। तो दोस्तों इस चीज को फुलफिल करने के लिए रोमन रेंस के एक और भाई WWE में डेब्यू कर सकते हैं, जो कि है जियान क्वीन। और जियान क्वीन रोमन रेंस के परिवार का हिस्सा है और क्योंकि अब द उसोस ब्लड लाइन से अलग हो गए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ट्रैवल चीफ रोमन रेंस का एक और भाई WWE में अपना डेब्यू करके ब्लड लाइन का न्यू मेंबर बन सकते हैं। और क्योंकि अभी रोमन रेंस का फ्यूड जिमी उसो के चल रहा है और रोमन रेंस कभी कभी आते हैं WWE में क्योंकि वो एक पार्ट टाइमर है, तो ऐसे में द उसोस भारी पड़ सकते हैं सोलो सिकवा पर। तो इसलिए WWE हमें डेब्यू करवाते हुए देख सकते हैं जियान क्वीन का और पॉसिबल है कि उनका डेब्यू हमें 2023 में ही देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ब्लड लाइन में एक और मेंबर को एड करना चाहिए या फिर नहीं, आप सब हमें एक प्यारा सा कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।